म्यूजिक में आऊँगा, मैं खुद के गाने बनाऊँगा और पूरी दुनिया मेरे गाने सुनेगी एक दिन। तो वो सपना अभी भी जारी है और शायद जिंदगी भर जारी रहेगा जब तक वो पूरा हो जाए, या मतलब पूरा होने के बाद भी फिर पता नहीं क्या सपना होगा। तो अभी तो सर ये जो 2-3 साल गए हैं ना, इनमें मुझे अभी भी लगता है कि यार मैं तो वैसा ही हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार चाहिए। पहले ही बहुत ज़्यादा सुधार चाहिए था, अभी बहुत ज़्यादा सुधार चाहिए। जी जी, यहाँ का जो स्ट्रगल सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मतलब एक जीने के 2 तरीके मुझे किसी ने बताए थे, मतलब खैर बहुत सारे तरीके थे, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होती है। मुझे एक बहुत खूबसूरत बात एक शख्सियत ने बताई थी, उनका नाम सुधीर है, और उन्होंने बताया था कि जिंदगी जीने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप स्ट्रगल करके हर चीज़ को पाओ, तब भी आप पालोगे, जो लोग हार्ड वर्क करके अपनी मंजिल को पाते हैं, या फिर आप उसको सरेंडर कर अपनी मंजिल पालें। वो जो दे रहा है आपको एक्सेप्ट करो खुशी खुशी, और आप फिर भी अपनी मंजिल पालोगे। तो मुझे सर कभी भी अपनी लाइफ में, मैं जिस भी दौर से गुजरा हूँ, मैं को कभी स्ट्रगल लगा नहीं। मतलब मेरे लिए हर चीज़ ऐसा रहा कि वो देता जा रहा है, मैं फील करता जा रहा हूँ, मैं अनुभव करता जा रहा हूँ, बस अपनी जिंदगी का अनुभव करो। मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, ना तब किया ना अब कर रहा हूँ। तो बस मैं ये आपको कहना चाहता था। जी हाँ, मतलब एक वो कह सकते हैं, अभी उसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, उसकी बात चल रही है, पर अभी एक जल्दी एक शो आ रहा है, मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ। पर उस शो में एक सिंगर की जर्नी पर एक पूरा बेस्ड शो है, वो एक अभी मेरे को अलाउ नहीं है चैनल का नाम लेना, पर वो जल्दी टीवी पर आने वाला है। तो आप अपने मोहित को, आपके जयपुर के मोहित को जल्दी टीवी पर गाते और एक्ट दोनों करते हुए देखेंगे। हाँ, मतलब यार मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा खुशी होती है हर चीज़ की। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में सबसे बड़ी खुशी ही लाइफ है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आप जीवित हैं, आप लाइफ है आपके पास में, आप ये सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊँगा, तब मैं खुश होऊंगा। यार सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आप जीवित हैं, आपके पास सबसे खूबसूरत चीज़ है लाइफ। तो मेरे को ये लगता है कि यार जब मेरे पास ये चीज़ है तो मेरे को किस बात का गम है, मैं खुशी रहता हूँ। जी यार पता है, अभी तक को खास बनाने वाली मिली नहीं है। तो जैसे बचपन से होता आया था, ये आपको बहुत एक फैक्ट बात बता रहा हूँ, जब भी हर साल मेरे से पूछता इस बार कौन है वैलेंटाइन, मैं कहता था मम्मी, वो मेरी मम्मी वहाँ पर बैठी है। तो हर बार वो कहता मेरी मम्मी मेरी वैलेंटाइन है। तो हर बार मैं तो मम्मी के साथ ही सेलिब्रेट किया वैलेंटाइन डे। तो इस बार भी मैं वैलेंटाइन डे मम्मी के साथ में मनाऊंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, थैंक यू।